और खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में गांधी विचार पदयात्रा का समापन हुआ है। 4 अक्टूबर से शुरू हुई गांधी की विचार यात्रा के आखिरी दिन सीएम बघेल भी पैदल चले। सीएम ने लगभग 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी पदयात्रा सेजबहार से शुरू की थी और वे गांधी मैदान तक पैदल चले। पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद सफर नहीं रुका। ये बरसात का दिन है, पानी तो गिरेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कारवा रुक जाएगा। जो यात्रा है वो हर हालत में चलना है, ये ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, यात्रा निरंतर चलती रहती है। ये भी है कि गांधी जी का नाम है, इस वजह से भी तो ये लगातार स्वागत करने वाले भी हैं, स्वागत सत्कार कर रहे। देख रहे हैं कि एक महिला स्वागत कर रही है और टीका लगा करके चंदन, और भूपेश बघेल ने बच्ची को माला पहनाया टीका लगा करके। अच्छा, ये वो लोग हैं जो प्लास्टिक बैन होने के बाद झूला स्वागत करते हैं, झूला भी भेंट किया है सीएम को। गांधी की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आपने एक बार का जिक्र भी किया कि किस तरीके से जो आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुए वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। देखिए, बहुत सारी ताकतें थी जो नहीं चाहते थे अंग्रेज बाहर जाए देश को से, लेकिन गांधी ने कहा कि 1942 में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तब उन लोगों ने साथ नहीं दिया था। लेकिन गांधी ने उसे राष्ट्रद्रोही नहीं कहा था, उन्होंने उसको विरोध भी नहीं किया था, समझाने की कोशिश की थी। लेकिन आज वही लोग दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि यदि आप असहमत हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। आपके राष्ट्रवाद में असहमति का कोई स्थान नहीं है, जबकि गांधी के राष्ट्रवाद में चाहे असहमति चाहे कितने कमजोर स्वर हो उसका भी स्थान था, उसके लिए भी सम्मान था, उनकी बात सुनी जाती थी। तो आज गांधी का राष्ट्रवाद चलेगा, जो आयतित राष्ट्रवाद है, जो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। आपने ये मुसोलिनी और हिटलर का जिक्र किया और ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि वो उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। बिल्कुल है, क्योंकि वो बता दे कौन सा राष्ट्रवाद को मानते हैं। क्या जो अहिंसा के बाद बुद्ध ने कही, महावीर ने कही, जो संदेश कबीर, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद का संदेश है, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रायनाडे और दयानंद सरस्वती, इसका जो संदेश है इसको मानते हैं कि और किसको मानते हैं? क्योंकि वो सारे जो है वो एक समाज की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में इस प्रकार की परंपरा नहीं रही, यहाँ विभिन्न जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं, सबका अपना स्थान है, सबका। आप अपने धर्म को माने, मैं भी हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत शिद्दत से मानता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे को मैं समाप्त कर दूँ। आप यदि असहमत हैं दूसरे समाप्त नहीं कर सकते आप। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।